सबसे लगातार बात करते रहे और लक्ष्य एक ही था, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सवेरे होते होते स्थिति बहुत भयानक हो गई। मैंने रक्षा मंत्री जी से बात की कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, आर्मी के जवान चाहिए। 30 तारीख को सवेरे प्रधानमंत्री जी से बात करी, आर्मी के भोपाल में जो प्रमुख थे उनसे मैंने बात की और उनसे निवेदन किया कि हमें किसी भी हालत में हेलीकॉप्टर चाहिए लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि तो छोटी बड़ी बालाघाट से लगातार फोन आ रहे थे। धाना, तमचरू, मुड़ियाखेड़ा, खरगावली, जनकपुर, मालाखेड़ी, सब जगह से खबर आ रही थी घिर रहे हैं और मेरे दिल और दिमाग में एक ही चिंता थी, कोई मरना नहीं चाहिए, जान सबकी बचनी चाहिए। हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, आईजी, मैंने कहा मैं भी नहीं सो रहा, तुम भी मत सो। मैं चौकीदार से लेकर ऊपर तक के जितने लोग हो सकते थे। कल आप जानते हैं आर्मी भी आ गई, हेलीकॉप्टरों से हमने कई जगह से लोग निकाले जो फंसे हुए थे और हमारी आर्मी छोटी बालाघाट से और बड़ी बालाघाट से भी लोगों को निकाल के ले आई। उनमें कई गर्भवती माताएं बहनें भी थी और मैं खुद परसों भी मैंने घूमने की पूरी कोशिश की, बादलों में फंसा मैं हेलीकॉप्टर के साथ, लेकिन चक्कर लगा के गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ बादल ही बादल और पानी पानी थे। तो अभी मैंने कहा जब जनता कष्ट में है तो शिवराज बंगले में नहीं बैठ सकता, मैं भी मैदान में रहूंगा। कल भी मैंने लगातार चक्कर लगाए और आज तय किया कि मैं जितना संभव है गांव में जाऊंगा। कानों सुनी अलग है और आंखों देखी अलग है, और आप वो मंजर देखा कि कितने ऊपर मचान बना के घटिया पेड़ पर डाल के कैसे जिंदगी लोग बचा रहे थे। रात भर फोन आते रहे, मामा बचा लो, मामा बचा लो। मैंने कहा तुम हिम्मत रखो, मामा इसलिए मुख्यमंत्री बनाए चौथी बार कि मरने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। और आज एक संतोष तो है कि हमने लोग बचा लिए और हम देख के आ रहे हैं खेतों की क्या स्थिति है। अभी भी मीलों तक खेत डूबे हुए हैं, मवेशी का नुकसान हुआ है, घरों में नुकसान हुआ है, जो घर डूब गए अनाज का नुकसान हुआ है, बर्तन, भाड़े, कपड़े। मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं कोई रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ये बात सही कि एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है, बिजनेस व्यापार ठप्प है, मैं कोरोना से लड़ रहा था अब तक, लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्राकृतिक आपदा है। कहीं से लाना पड़े लाऊंगा, लेकिन जनता को संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। और इसलिए पानी उतरते ही सर्वे होगा और सर्वे में भी मैंने कलेक्टर्स का हड़बड़ नहीं होना, शांति से हम सर्वे करेंगे, घरों का भी करेंगे, खेतों का भी करेंगे, गरीब का भी करेंगे, किसान का भी करेंगे, राहत भी देंगे, फसलों का भी, जो जिनके पास जो गरीब है मकान सामान का नुकसान हुआ उसमें भी राहत देंगे, मवेशी का नुकसान अगर हुआ तो उसमें भी राहत देंगे, और फसलों का आकलन करके आरबीसी 6-4 की राहत भी और फसल बीमा योजना का पैसा भी दोनों दिलाऊंगा, आप चिंता मत करें। थोड़ी परेशानी जरूर है लेकिन अब मामा काय के लिए, आप चिंता मिंता मत करो, मिलकर निपट लेंगे यार। अरे देखो भगवान ने भी कोरोना के पहले मुझे भेज दिया, तब इस आफत से भी निपटेंगे और क्या। आप सबसे मेरा निवेदन है, शांति से गांव की भी टीम, जनप्रतिनिधि, विधायक साथी सब मिलके ढंग से योजना बनाए,
कोई बेमानी मैं नहीं होने दूंगा। पंचनामा बना के कई क्योंकि कई बार फिर ये शिकायत आती मेरा तो रहगा हो फलाने को लिख दाओ, तो वो भी ईमानदारी से होगा और गड़बड़ कोई ने करी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे मैंने कलेक्टर होशंगाबाद से कहा कि शांति से एकदम हड़बड़ में नहीं। और फिर क्षति का आकलन करके आगे राहत देने का काम शुरू करेंगे। आज मुझे होशंगाबाद वहां से नस्तलागंज फिर कई और गांव जाना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं अगर सब जगह पहुंच जाऊंगा तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि भैया आ गया तो हमारा भी काम बन जाएगा, लोग परेशान ना रहे, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी सुनूंगा मैं।